वेलकम बैक सभी को दोस्तों। आफ्टर ओबी 43 11 कैटर्स की अपडेट होने की वजह से काफी सारे स्किल्स डाउनग्रेड एंड अपग्रेड हुई है, इसीलिए हम देखेंगे कौन सी स्किल्स लेके खेलने से बुया जल्दी होगी। मैंने टोटल 5 स्किल्स उठाया है, जैसे कि अपडेट क्लैश स्क्वाड स्किल कॉम्बिनेशन, आफ्टर अपडेट बीआर रैंकेड स्किल कॉम्बिनेशन, आफ्टर अपडेट सेंटिनो कैरेक्टर कॉम्बिनेशन, आफ्टर अपडेट तात्सुया कैरेक्टर कॉम्बिनेशन, आफ्टर अपडेट राइडन स्किल कॉम्बिनेशन। इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम स्टार्ट करते हैं नंबर 5 से। अपडेट क्लैश स्क्वाड स्किल कॉम्बिनेशन, दोस्तों आफ्टर अपडेट जो क्लैश स्क्वाड का कॉम्बिनेशन सबसे बेस्ट चल रहा है वो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक हो, सबसे पहले आफ्टर अपडेट आपको इक्विप करना चाहिए होमर का स्किल। दोस्तों होमर में इसलिए बोल रहा हूं कि आफ्टर अपडेट होमर का डायमीटर 4 से अब 5 मीटर का हो चुका है, बहुत ज्यादा लंबा हो चुका है, प्लस अब मूवमेंट स्पीड प्लस एनिमी फायर जल्दी नहीं कर पाया क्योंकि और ज्यादा यहां पे इंक्रीज हुआ है, प्लस कूल डाउन टाइम में भी गाइस बहुत ज्यादा यहां पे कम हुआ है, पहले 90 सेकंड था अब 60 सेकंड हो चुका है, इसलिए बहुत सारे प्लेयर आपको सीएस में अब होमर देखने को मिलेगा। तो मैं चाहता हूं आप होमर का एक सही कॉम्बिनेशन बनाओ क्योंकि सीएस में अब होमर तहलका मचा रहा है। तो सबसे पहले क्या करना, आप लोग होमर के साथ यहां पे मोको को इक्विप कर लेना क्योंकि मोको आपको लोकेशन देगा जब भी आपका होमर एनिमी पे हीट होगा। ओके, कहीं भी होमर जाएगा तो हीट होगा तो उसमें आपको लोकेशन मिलेगा। उसके साथ ही क्या करना, आपको देखो अब एनिमी का होमर से मूवमेंट स्लो होगा, प्लस अगर हम उसी टाइम में एनिमी को मूवमेंट स्लो करने के लिए कैरेक्टर और यूज करें तो यस माय फ्रेंड ऑटो कैरेक्टर। ऑटो से क्या होगा, जैसे आप एक प्लेयर को नॉक करोगे उससे आपका जितना भी एनिमी होगा ना उनका सबका मूवमेंट स्लो हो जाएगा, इसलिए मैं यहां पे ऑटो यूज कर रहा हूं। प्लस यहां पे देखो तीसरा नंबर पैसिव में आप इक्विप करो ऐसा स्किल जिससे आपको थोड़ा एचपी मिलते रहे, तो मैं सीएस में यूज करता हूं लियोन का स्किल, तो बहुत काम आता है ये स्किल कॉम्बिनेशन। लियोन हो गया, ऑटो है, मोको है एंड होमर, ये स्किल बहुत मजेदार है, मैं आपको टेस्ट करके भी दिखाता हूं गेम पे, आ जाओ। तो हम देख रहे हैं आफ्टर अपडेट क्लैश स्क्वाड स्किल कॉम्बिनेशन, मेरे पास है होमर, मोको, ओटो एंड लियोन। अब देखो दिमित्री वगैरह तो यूज नहीं कर सकते क्योंकि सोनिया वगैरह तो है नहीं अपने पास जो काम करेगा अच्छी तरह से, इसलिए हम लोग यही कैरेक्टर कॉम्बिनेशन यूज करेंगे। देखना गाइस यहां पे किस तरह से काम करता है। सबसे पहले मैंने यहां पे होमर छोड़ा, अब होमर छोड़ने के बाद देखो यहां पे कितना बंदा था, मुझे पता चला यहां पे 4 बंदा है, एक साथ 4 बंदा बैठा है। अब उनका क्या हाल होगा अब स्क्रीन पे ही देख सकते हो गाइस, यहां पे सारे का सारे बंदा यहां पे मूवमेंट स्लो हो चुका है, प्लस ना ही फायर कर पा रहा है ना ही कुछ कर पा रहा है, एंड उसके बाद देखो यहां पे हमने सारे बंदा को खत्म कर दिया इजीली। अब अगर इस क्लिप में देखोगे तो इस क्लिप में सबसे पहले देखो मैंने इस प्लेयर को मारा, उसके बाद क्या हुआ, सारे बंदा का जितना भी एनिमी था उनका मूवमेंट स्लो हो गया अपना ऑटो से, प्लस लियोन मुझे एचपी दे रहा था, मोको मुझे लोकेशन दे रहा था बंदा कहां पे, जब मैं इसको लोकेशन देता हूं मारता हूं। अब देखो यहां पे होमर लगा इस प्लेयर को, पूरा बंदा खत्म हो जाएगा, ठीक है ये बंदा पूरा खत्म हो चुका है, उसके बाद इनका 2 ही बंदा बचा है। अब यहां पे मैंने इस बंदा को मारा, अब देखो यहां पे लियोन चालू हो जाता है। ओके, लियोन चालू होने के बाद मैं एक मेडी भी मारता हूं, प्लस देखो यहां पे थोड़ा बहुत अगर देखो गलती से अगर आप यहां पे नॉक भी हो जाते हो ना गाइस, यहां पे जो ऑटो स्किल है, मोको स्किल है, बंदा को मेरा जो टीममेट है उसको कम से कम लोकेशन तो देगा कहां बंदा जा रहा है। यस माय फ्रेंड, यही है क्लैश स्क्वाड का स्किल कॉम्बिनेशन, जिससे क्या होगा वो बंदा भी खत्म हो जाएगा क्योंकि मोको लगा हुआ है, मोको बहुत देर तक रहता है उस पे गाइस, ठीक है हानि पहुंचाता है उसको। तो उसके साथ ही एक और देखो गाइस, यहां पे मेरे पास जो गाइस स्कैटर कॉम्बिनेशन है, यहां पे देख लो गाइस होमर मारूंगा सबसे पहले, उसके बाद यहां पे नेड कुक करना है, ये भी स्किल कॉम्बिनेशन में आता है आफ्टर अपडेट क्लैश स्क्वाड का। तो यहां पे होमर बहुत ज्यादा गाइस मतलब बोल सकते हो ऑलराउंडर है, बहुत सारे काम करता है आपका होमर कैरेक्टर। तो मैं चाहता हूं अब क्लैश स्क्वाड में आपको यही स्किल कॉम्बिनेशन यूज करना चाहिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नंबर 4 पे, आफ्टर अपडेट बीआर रैंकेड स्किल कॉम्बिनेशन। दोस्तों आफ्टर अपडेट जो बीआर में सबसे ज्यादा यूज हो रहा है वो है उकोंग का स्किल। क्यों, देखो आफ्टर अपडेट इसका चेंजेस ये हुई कि देखो पहले क्या था, आप जैसे उकोंग बनते थे तो उस टाइम में आपका मूवमेंट स्पीड थोड़ा कम हो जाता, लेकिन अब आफ्टर अपडेट उस चीज को भी रिमूव कर दिया है। पहले तो बहुत ज्यादा रिमूव भी हो जाएगा, मतलब मूवमेंट स्पीड नहीं कर पाते थे, लेकिन वो भी अब खत्म होने के बाद उकोंग और भी ज्यादा मजेदार हो चुका है। जो पहले का मजा आता था ना उकोंग में, अब वो वापस आ रहा है उकोंग में, क्यों यहां पे आपको पता 12 सेकंड के लिए 15 सेकंड के लिए आप उकोंग बने रहते हो एंड उस टाइम में आप एनिमी मारते जाते हो। ओके, तो मैं आपको स्किल बता रहा हूं गाइस उकोंग में क्या क्या लेना है, क्योंकि बीआर में सभी स्किल्स को बर्बाद करके रख दिया है जब से ये अपडेट आया। ओके, तो मैं चाहता हूं आप उकोंग को यूज करना, क्योंकि उकोंग यहां पे ना क्या करना है, हम लोग उकोंग के साथ लियोन को यूज करेंगे, क्योंकि गाइस आपको पता है जैसे आप लोग उकोंग
हॉन्गकॉन्ग बनोगे उस टाइम में आपको लियोन चालू हो जाएगा। क्यों मैं आपको बोल रहा हूँ गाइस, यहाँ पे बहुत मजा आने वाला है। सबसे पहले हम लोग लियोन लेने के बाद यहाँ पे केले भी इक्विप करेंगे, क्योंकि आप लोग बीआर खेल रहे हो एंड उस पर आपको मूवमेंट स्पीड यहाँ पे थोड़ा जरूरी है, स्प्रिंटिंग स्पीड। ओके, स्प्रिंटिंग स्पीड। उसके साथ ही गाइस क्या करना, देखो अभी आफ्टर अपडेट, यहाँ पे आफ्टर अपडेट क्या यूज हो रहा है, बहुत सारे प्लेयर होमर यूज कर रहे हैं प्लस राइडन कैटर कॉम्बिनेशन भी यूज कर, राइडन यूज कर रहे राइडन कैटर। तो मैं चाहता हूं आप ना यहाँ पे एक ऐसा स्किल ले लो जिससे गाइस आपको कोई फर्क ना पड़े जब वो स्किल आप पे पड़े। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डिफेंड करने के लिए वो स्किल्स को यहाँ पे जोसेफ यूज कर रहे हैं। काम करता है ये, आपका जो मेन मार्किंग स्किल्स हो गया, आपका कुछ भी स्लो डाउन स्किल हो गया, जैसे आपका होमर ही लगा या फिर कुछ भी लगा, आपको गाइस कोई इफेक्ट नहीं होने वाला, क्योंकि आफ्टर अपडेट आपको पता है गाइस नया नया कैरेक्टर आ चुका है एंड इससे क्या होता है आपका मूवमेंट स्पीड भी बढ़ जाता है। ओके, तो यहाँ पे कूल डाउन टाइम है 60 सेकंड, लेकिन बहुत मजेदार है जोसेफ, केली, लियोन एंड उकोंग। ये स्किल को मैं बीआर में टेस्ट करूंगा और आपको दिखाऊंगा किस तरह से यूज करना चाहिए। तो चलो आ जाओ गेम पे। मैं हूं अभी बीआर रैंक पे, मैं टेस्ट कर रहा हूं उकोंग, लियोन, केली एंड जोसेफ का स्किल। अब देखो यहां पे गाइस एक ऊपर बंदा है, इसको मैं नॉक करता हूं। मेरे टीममेट के ऊपर सारे बंदा चढ़ चुका था, अब यहां पे धीरे धीरे करके मेरा टीममेट वगैरह नॉक हो रहा था। मैं क्या किया, उकोंग बन के गया एंड इस प्लेयर का स्क्वाड ही वाइप कर देता हूं। एक ही प्लेयर बचा था इनका स्क्वाड का, तो पूरा खत्म ही हो जाता। उसके बाद मैं इस प्लेयर को रिवाइव करता हूं और फिर देखो गाइस यहां पे लास्ट जोन बना था वैसे भी गाइस अपना इंटेलेक्ट सेंटर पे, तो मैंने यहां पे गाइस लॉन्च पैड यूज करके गया एंड ऊपर ही बैठ गया। तो बीआर खेल रहा हूं, अब देखो ऊपर से मैं बंदा को मार रहा हूं नेक्स्ट रा पे। ओके, यहां पे इंटेलेक्ट सेंटर पे, अब यहां पे M60 चल रहा है एंड देखो गाइस मेरा टीममेट भी धीरे-धीरे करके नीचे खत्म हो रहा था। मेरे पास तो यहां पे ना उकोंग था, लियोन था, केली था, सब काम हो रहा था। अब देखो यहां पे मैं उकोंग बन के गया, इस प्लेयर को नॉक करता हूं, लियोन चालू हो जाता है। आप देख पा रहे हो लियोन चालू हो गया, जोसेफ भी बहुत काम कर रहा है। कोई बंदा अगर साइलेंटली आपको बंदा मारेगा साइलेंसर से तो आपको यहां पे बचा लेगा, जैसे राफेल वगैरह यूज होता है ना तब। ओके, यहां पे देख लो गाइस, यहां पे बंदा आ रहा था, इसको वापस से नॉक करते हैं एंड इस प्लेयर को पूरा क्लियर आउट करने के लिए मैं फिर से यहां पे उकोंग बन जाता हूं, क्योंकि लास्ट प्लेयर पता नहीं था कहां पे एंड लास्ट प्लेयर पता ना होने के कारण तो मैंने क्या किया, यहां पे बुया ही हो गया, पता ही नहीं चला गाइस ये कब बुया हो गया, किस तरह से बीआर में ये धूम मचा दिया गाइस। ये स्किल कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा ओवरपावर्ड है, मैं चाहता हूं आप यूज करो बीआर पे अब से ये स्किल कॉम्बिनेशन। आगे बढ़ते हैं नंबर 3 पे, आफ्टर अपडेट सेंटिनो स्किल कॉम्बिनेशन। दोस्तों आपका जो गेम में सेंटिनो आया है ये बहुत ज्यादा मजेदार है, इसका स्किल को रिवर किया है, पूरा कंप्लीट चेंज। अब देखो कंप्लीट चेंज मतलब देखो गाइस ये आपका तो गाइस यहां पे डेकॉय छोड़ता ही है, प्लस यहां पे आप दो बार स्विच कर सकते हो अपना पोजीशन, एक तो गाइस एनिमी के पास जाने के लिए, ऊपर से आप अपने लोकेशन में पहुंचने के लिए जहां से आपने डेकॉय छोड़ा था वापस से वही जगह पे आप पहुंच भी जाओगे। आप लोग जैसे कि स्क्रीन पे देखा ये किस तरह से मैं बंदा मारता हूं ये डेकॉय लेके, ठीक है, सेंटिनो लेके। तो इसमें ना गाइस एक कूलडाउन टाइम में 75 सेकंड, जो कि पहले से बहुत कम हुआ है 75 सेकंड। अब बहुत मजा है स्किल कॉम्बिनेशन में, आपको दिखा दो गाइस क्या क्या लेना है। सबसे पहले आपको सेंटिनो यहां पे इक्विप कर रहा है, अब देखो सेंटिनो का स्किल कॉम्बिनेशन है, यहां पे आपको लेना चाहिए केली। ओके, केली। अब देखो सेंटिनो आप बीआर में भी यूज कर सकते हो, यहां पे सीएस में भी यूज कर सकते हो, तो मैं केली लूंगा। उसके साथ ही क्या करूंगा गाइस, यहां पे ऐसा स्किल लूंगा जिससे गाइस यहां पे गाइस आप लोगों को बंदा कोई मारेगा तो कम से कम आपका शील्ड एचपी पे डैमेज पड़े। वो शील्ड एचपी कौन सा कैरेक्टर है, अपना एंटिनो कैरेक्टर। एंटिनो कैरेक्टर गाइस यहां पे भी रिवर्क हुआ है, एंटिनो का पहले 40 एचपी मिलता था अब 30 एचपी हो चुका है, लेकिन कोई बात नहीं ये स्किल अभी भी ओवर पावर्ड है। ओके, अपना एंटिनो, तो हम लोग एंटोनियो लेने ने, उसके साथ ही क्या करना गाइस, आप लोग एंटोनियो लेने के बाद यहां पे ऐसा भी स्किल है जिससे गाइस आपका जैसे एक्टिव स्किल ऑन होगा उस टाइम में आपको शील्ड एचपी मिलेगा। तो मैं क्या करूंगा यहां पे सानी कैरेक्टर इक्विप करूंगा। आप लोगों को पता है आप लोग सेंटिनो कब छोड़ते हो, किसी बंदा को मारने के लिए, उस टाइम में अगर मैं सानी ही यूज करूंगा, देखो गाइस मान के चलो गाइस मैं स्किल ही यूज किया एंड उस टाइम में सानी एक्टिवेट, बहुत मजेदार है स्किल। मैं आपको दिखाऊंगा, गेम प्ले भी दिखाऊंगा, आपको सानी लेना है, एंटोनियो लेना है, केली एंड सेंटिनो। तो इस स्किल को मैं टेस्ट करके दिखाता हूं आप लोग गेम स्क्रीन पे, सब लोग आ जाओ गेम पे। हम टेस्ट कर रहे हैं आफ्टर अपडेट सेंटिनो स्किल कॉम्बिनेशन, जिसमें मेरे पास है सेंटिनो, केली, एंटोनियो एंड यहां पे शानी का स्किल। अब देखो गाइस किस तरह से हम लोग यहां पे सबसे पहले यहां पे क्या छोड़ेंगे, सेंटिनो का स्किल, क्योंकि आगे बंदा है। तो मैंने पहले देखा कितना बंदा है, यहां पे कितना बंदा था, 2-3 बंदा था, तो मैंने यहां पे क्या सेंटिनो यूज करके पीछे वापस आ गया, फिर यहां पे नेड कुक किया एंड डायरेक्ट देखो नॉक ही कर दिया एक प्लेयर को। उसके बाद देखो यहां पे दो दिमित्री चालू हो जाता है, देख पा रहे हो गाइस। उसके बाद क्या गाइस, इस प्लेयर को यहां पे जिसने दिमित्री चालू किया ना उसको नॉक कर देते हम लोग एंड उसके बाद यहां पे इस नॉक करने के बाद यहां पे देखो जिसने नॉक हुआ अभी तक फिर से उसको ही नॉक करते, वापस से नॉक होने के बाद देखो गाइस इस प्लेयर को यहां पे हम लोग गाइस हम लोगों देखो यहां पे डैमेज क्यों नहीं पड़
मर रहा है, पता है मेरे पास सेंटिनो था इसीलिए एंड सानी था इसलिए मैं जल्दी मर नहीं पाया, ताकि दो भी बंदा था ना तभी मैं इन दोनों प्लेयर को खत्म कर दिया, जस्ट बिकॉज मेरे पास 90 HP का शील्ड पॉइंट था एंड उसके बाद मेरे पास तो केली भी था, मूवमेंट स्पीड था, स्प्रिंटिंग स्पीड था एंड देखो लास्ट का प्लेयर बचा था तो गाइस हम लोग इसको भी खत्म कर देते। तो देखा ना गाइस आफ्टर अपडेट सेंटिनो का स्किल कॉम्बिनेशन किस तरह से काम कर रहा है, तो ये स्किल कॉम्बो को आप यूज कर लेना। आगे बढ़ते हैं नंबर 2 पे, आफ्टर अपडेट तात्सुया स्किल कॉम्बिनेशन। दोस्तों मैं चाहता हूं आप लोग तात्सुया यूज करो आफ्टर अपडेट, क्योंकि बहुत ज्यादा यहां पे ओवर पावर चल रहा है। ऐसा मैं नहीं कहता, जो बंदा तात्सुया यूज कर रहा है वो कहता है, लेकिन यहां पे स्किल में थोड़ा सा डीप हुआ है। लाइक देखो आपका स्किल पहले 2-3 बार यूज कर सकते, हम लोग जो डैश मारते थे पहले हम लोग को यहां पे 3 बार मिलता था ना, अब 2 बार हो चुका है, इसीलिए गाइस थोड़ा यहां से डीप हुआ है। लेकिन तात्सुया का जो डैश है वो बहुत बड़ा हो चुका है, बहुत बड़ा वो डैश मार के जाता है, प्लस आप लोग यहां पे उड़ के भी दूसरा बिल्डिंग में जंप कर सकते हो इस तात्सुया से। तो फिलहाल मैं अभी स्किल कॉम्बिनेशन ही बता रहा हूं, यहां पे कैटर का एबिलिटी तो आपको गेम में पता चलेगा। यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, सबसे पहले तात्सुया इक्विप करता हूं। अब तात्सुया का जो स्किल है ना गाइस आफ्टर अपडेट, आपको पता है आप लोग यहां पे थोड़ा 2 बार ही डैश मार सकते हो, लेकिन आपको ना यहां पे मूवमेंट स्पीड बढ़ा दूंगा। तो सबसे पहले क्या करूंगा, यहां पे मैं केली इक्विप कर लेता हूं, क्योंकि तात्सुया एंड केली का कॉम्बिनेशन बहुत मजेदार है। उसके साथ ही हम लोग क्या करेंगे, यहां पे ऐसा स्किल यूज करेंगे जिससे आपका रेट ऑफ फायर बढ़ जाए, ओके, प्लस मूवमेंट भी बढ़ जाए। तो मैं क्या करूंगा, यहां पे यूज करूंगा अपना लूना का स्किल। तो दोस्तों मैंने यहां पे लूना यूज किया, प्लस देखो आपको मैं डबल रेट ऑफ फायर कैटर दे रहा हूं, डबल रेट ऑफ फायर। तो डबल रेट ऑफ फायर बनाने के लिए गाइस हम लोग यूज करेंगे अपने दशा का स्किल। दोस्तों दशा का स्किल यही काम करता है कि ये रेट ऑफ फायर भी देता है प्लस मूवमेंट स्पीड भी देता है, इसलिए मैं बहुत मतलब अच्छा लगता है ये स्किल कॉम्बिनेशन यूज करने में, दशा और लूना का कॉम्बिनेशन, प्लस यहां पे केली है आपके पास और तात्सुया स्किल है। अब इसको मैं टेस्ट करके दिखाता हूं किस तरह से स्किल कॉम्बिनेशन वर्क होता है। तो चलो आ जाओ, तो हम देख रहे तात्सुया स्किल कॉम्बिनेशन आफ्टर अपडेट, जिसमें मेरे पास है तात्सुया, लूना, दशा एंड केली। अब देखो आपने डैश देखा गाइस कितना लंबा डैश था, यहां पे वही बात है गाइस, ये डैश जो है गाइस ये बड़ा हो चुका। अब देखो मैंने एक प्लेयर नॉक किया, मेरा मूवमेंट इंक्रीज हो गया जस्ट बिकॉज ऑफ दशा का स्किल। मेरे पास तो यहां पे लूना कैटर भी था जो आपको यहां पे मूवमेंट प्लस रेट ऑफ फायर भी देता है, प्लस दशा भी देता है आपको रेट ऑफ फायर मूवमेंट। एंड फिर से मैंने यहां पे बंदा नॉक किया, फिर से मुझे मूवमेंट मिल चुका है, वो लाल लाल जो आ रहा है ना गाइस वही आपका मूवमेंट स्पीड, ओके। एंड मेरे पास केली था, केली बहुत काम आता है गाइस यहां पे मेरा स्प्रिंटिंग स्पीड इंक्रीज करने के लिए। एंड यहां पे देखो फिर से मैंने यहां पे गाइस मेडिकेट भी मार लिया। अब देखो 3 बंदा को मैंने संभाल लिया जस्ट बिकॉज ऑफ ये स्किल कॉम्बिनेशन। अब देखो आपके पास तो यहां पे तात्सुया जो बस 2 ही बार डैश मार सकता है, लेकिन यहां पे देखो गाइस मैं किस तरह से अपना मूवमेंट को इंक्रीज कर रहा हूं ये सारे स्किल से। तो यही बात है, लास्ट में ये प्लेयर बच गया था जिससे इस प्लेयर को भी खत्म कर देते हम लोग। तो ये स्किल कॉम्बिनेशन आफ्टर अपडेट तात्सुया का है, तो आप इसको यूज करके टेस्ट जरूर करना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नंबर 1 पे, आफ्टर अपडेट राइडन कैटर कॉम्बिनेशन। दोस्तों आप लोगों का गेम में जो राइडन आया है ये काम ये करता है कि ये स्पाइडर फेंकता है, कि स्पाइडर जाल होता है एंड उसमें एनिमी फंस के मर जाता है आपके हाथों के द्वारा। तो देखो ये स्किल कॉम्बिनेशन बहुत मजेदार है, मैं आपको टेस्ट करके भी दिखाऊंगा। सबसे पहले इसका कॉम्बिनेशन बनाते हैं, बहुत मजेदार कॉम्बिनेशन है ये, बहुत मस्त है, मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले क्या करना, आपको यहां पे ना कैरेक्टर लेना है डीबी का कैरेक्टर, क्योंकि आप लोग का जो जाल में फंसेगा ना उस टाइम में आपको चाहिए एक्यूरेसी एंड मूवमेंट स्पीड, उस टाइम में आपको बंदा मारना होगा, इसलिए मैं चाहता हूं आप डीबी कैरेक्टर ले लो, आपसे वो भागना नहीं चाहिए इसलिए मैं आपको डीबी दे रहा हूं, ठीक है, आपका रिकॉइल ना हो। एंड मैं डीबी के साथ क्या करूंगा, एक ऐसा कैरेक्टर ले रहा हूं जैसे गाइस बंदा फंसेगा उस टाइम में थोड़ा लोकेशन मिले कहां वो बंदा भाग रहा है। तो मैं चाहता हूं यहां पे मोको कैटर आप इक्विप करें, मोको बहुत मस्त है, इलाइट मोको भी काम हो जाएगा, इलाइट मोको भी चल सकता है। तो मैं क्या करूंगा, यहां पे मोको लेने के बाद एक ऐसा कैटर ले रहा हूं जिससे गाइस थोड़ा डिस्टेंस के अनुसार डैमेज इंक्रीज हो जाए, प्लस मेरे पास मोको है तो और ज्यादा डैमेज मिलेगा। उस कैटर का नाम है मारो कैरेक्टर, ओके, ये बहुत मारता है सबको, इसलिए मैं मारो ले रहा हूं प्लस मोको ले रहा हूं डीबी एंड राइडन का स्किल। नया कैरेक्टर कॉम्बिनेशन है, इसको हम लोग टेस्ट करते हैं किस तरह से काम करेगा गेम में। तो चलो आ जाओ दोस्तों, मैं टेस्ट कर रहा हूं राइडन कैरेक्टर कॉम्बिनेशन, मेरे पास है राइडन, डीबी, मोको एंड मारो। अब ये नया कैरेक्टर है, अब इसको देखो गाइस आप लोग टेस्ट किस तरह से करते हो। देखो सबसे पहले आप लोग जब यहां पे छोड़ोगे गाइस अपना ये कैरेक्टर नया वाला राइडन, इसमें ना गाइस आपका एक कैरेक्टर मिलता है वो स्पाइडर। अब ये स्पाइडर क्या करेगा, एनिमी को मूवमेंट स्लो करता है कुछ सेकंड के लिए, ओके, कुछ सेकंड के लिए, उसी टाइम में आपको फायर करके बंदा मारना होगा। अब देखो गाइस मैं कहां पे हूं, ऑब्जर्वेटरी पे। ऑब्जर्वेटरी में मैं क्या करूं, सबसे पहले यहां पे ड्रॉप लूटता हूं, यहां पे कुछ-कुछ गन वगैरह
गन मिल चुका है। एंड यहाँ पे मैं क्या करूंगा, पहले गाइस यहाँ पे बंदा को नॉक करने की कोशिश करता हूँ। अब देखो मैंने एक बंदा नॉक किया, अब हमें गाइस पता नहीं बंदा कहाँ पे, लेकिन अब मैंने आगे गया तो मुझे दिखा कि अरे भाई अंदर बंदा है, तो मैं बाहर भागा। अब यहाँ से क्या हुआ गाइस, मैंने यहाँ पे छोड़ूंगा गाइस अपना ये कैटर राइडन। अब देखो मैंने राइडन छोड़ा, उस टाइम में बंदा को मैं लॉक कर दिया उसी जगह पे, क्योंकि मुझे पता है मैंने बहुत ज्यादा डैमेज झेला उससे। अब यहाँ पे अगर वो मुझे रस करके मारता तो मैं मर सकता था, इसलिए मैं वहां से निकल गया राइडन उसको लॉक करके। ठीक है, राइडन क्या करता है, स्किल उसको ब्लॉक करता है, मतलब थोड़ा देर के उसको लॉक करके रखता है ताकि वो मेरा ऊपर हानि ना होगा। ठीक है, उसके बाद देखो राइडन किस तरह से काम ये भी करता है कि आप उसको मार भी सकते हो, क्योंकि आपके पास डीबी का स्किल है, मोको भी है ना। मुझे लोकेशन मिला बंदा कहां पे अंदर था, इसलिए मैंने गाइस ज्यादा अंदर नहीं गया क्योंकि उनका टीममेट सारे बहुत है उस पर। ठीक है, उस जगह पे तो मैं क्या करूंगा, थोड़ा देर के लिए रुकूंगा लेकिन उनको मार के ही रहूंगा। एंड यहां पे मैं ट्राई करूंगा ट्रिपल नहीं तो एस लेने के लिए। अब देखो मैंने यहां पे ग्लू वॉल लगा लिया है ताकि गाइस ताकि उनको पता ना चले गाइस हम लोग कहां पे। अब देखो ये आ रहा था यहां पे, इनको मैंने यहां पे नॉक कर दिया। अब देखो मोको लग रहा है, उनको पता चल रहा है मुझे कहां कहां बंदा जा रहा है। देखो बहुत काम आया, मारो से क्या होता है डैमेज इंक्रीज होता है। तो यही कैटर कॉम्बिनेशन है राइडन का। अगर और कैटर कॉम्बिनेशन चाहिए तो राइडन के ऊपर में एक पूरा लंबा सा डेडिकेटेड कैटर कॉम्बिनेशन भी जल्दी आ रहा है।